दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। आपको एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आप बच्चों को यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा रहे हैं। बेसिकली अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखोगे तो आपको यह सिलेबस में चार पॉइंट दिए हुए हैं, मार्शल एंड वॉलरस अप्रोच टू दी प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी रिकार्डो कार्डोर एंड केल्की की, मार्केट स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से सिलेबस को पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल आपको यही चार पॉइंट नहीं पढ़ने हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेस इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, तो जब बेस ही नहीं होगा आपका तो आखिरकार आप इमारत कैसे खड़ी करोगे, यानी कि आप कच्ची नींव पर तो आप अपनी बड़ी इमारत खड़ी कर नहीं सकते, इसलिए बेस होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाऊँ, ये जरूरी नहीं है। हालांकि ये सिलेबस तो उसके अंदर इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। हम बिल्कुल ये भी पढ़ाएंगे कि माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है, पीपीसी कर्व क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसके बिना आपका बैलेंस, आपका जो बेस है वो नहीं बनेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा होने वाला है, बाकी की जितनी भी इकोनॉमिक्स होगी उसमें हम काफी कम वीडियो में, काफी एक तरीके से आप कह सकते हो इस शॉर्ट में आपको अच्छी तरीके से कवर करा देंगे, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉम्प्रोमाइज काफी कम होता है, क्योंकि आपको डिटेल तो बताना ही पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए आप एचएल आहूजा सर की बुक आप फॉलो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर आप हमारा कोर्स है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये सिलेबस को एक बार हम देखें तो वॉलरस एंड मालरस के अप्रोच पढ़ने के लिए हमें जरूरी है डिमांड सप्लाई के बारे में जानकारी होना, पार्शल इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी होना, वो डिटेल में हम आपको करा देंगे, डिमांड सप्लाई, यूटिलिटी, कंज्यूमर थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है जी। इसके अलावा अनसर्टेनिटी, ये सब कुछ हम आपको कवर कराने वाले हैं इसमें। इसके अलावा कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, आइसोक्वेंट क्या है, वो सब हम इसमें कवर कराएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर भी हम कवर कराएंगे, इसके अलावा मॉडर्न वेलफेयर भी हमारा कवर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस, अब देखिए एक छोटी सी वीडियो में मैं इसके अंदर का कहानी तो आपको सुना नहीं सकता, लेकिन अब से हम अपनी वीडियो को लगातार आपको स्टार्ट करा रहे हैं। तो आप मॉर्निंग में 9 AM हमारा समय है, आप रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियो जो है वो एक्सेस करते रहिएगा। हालांकि सारी की सारी वीडियो हमारे लिए अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर फिर भी अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे कि आपको सिस्टमेटिकल तरीके से सारी की सारी वीडियो देखने को मिल जाए, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि अब आप अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप तैयार हो जाइए। यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आप कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपकी सारी की सारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हम कराने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।